मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जाए हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। ओम शांति। आज की तारीख है 12/3/2023 की व्यक्त मुरली रिवाइज डेट 18/1/1994 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। स्नेह की शक्ति दे और दे की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति भाव समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते होना बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की मेहनत करनी पड़ी। सहज अनुभव किया ना तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह के शक्ति की भी स्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व राय रूप सामना करे तो सैकड़ में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मार कर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो मीठा बाबा प्यारा बाबा डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नज़र पड़ जाती है। समा जाओ
तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। इस वरदान में खो जाओ, खो जाना नहीं आता है। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना, कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई? स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी, तो सहज कैसे बनी स्नेह के कारण? तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग, तो युग के महत्व को जान स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे, ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे, ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उठते कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी सब रूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना, बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाए हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात, आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष बिल पावर के हाथ याद आए, बिल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे, फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए, परमात्म प्रविष्टता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना, समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट फास्ट हुई है ना, इसलिए अव्यक्त होने समय को भी तीव्र गति मिली है तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फास्ट का वरदान प्राप्त है। सभा से वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं
समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से सबसे ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहिए बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उठने की दुआएं हैं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फायदा ले लो। मिलता बहुत है, यूज कम करते हो, सिर्फ बुद्धि में किनारे रखते नहीं रहो। खाओ, खर्च करो, आता है यूज करना, खर्च करना आता है कि संभाल कर रखते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यह संभाल कर रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज होती है वह कहाँ रखते हैं, लॉकर में, यूज नहीं करते। लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं तो कई बार ऐसे ही करते हैं। पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? अच्छा है, सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं है ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले कर ले। ऐसे तैयार हैं, शक्ति सेना तैयार हैं। शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां नहीं चल सकती, शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव नहीं चल सकते। दादी जी ने मेक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं, प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़े माई का काम करेगा। लॉस एंजेलिस में भूकंप आया है, ये समय के तीव्र गति की निशानियां समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है। जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आई वेल में काम में आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म यह खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए, इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो। क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितने दिल से दुआएं देगी। आप दादा के बच्चे हो तो पराग दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन
बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये तो चलने वाले नहीं हैं। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है, तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते, कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना, तो अपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा ही। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो जो सीजन पर चीज़ निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते हैं कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो, समय पर सिर्फ आत्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई आपको जीशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि ये अपोजिशन या इंसल्ट गालियां ये खाद का काम करेगी, तो खाद पटने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे, इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे नहीं, ये तो लेपता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे, मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर होना, सब खजाने हैं। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रसम परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है, तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना, बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है और कुछ भी नहीं आए। लेकिन स्नेह में समाना तो आता है कि ये मुश्किल है, नहीं तो ये करो, अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज भी छोटी लगेगी। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, फरिश्ता कहाँ रहता है, ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है कभी कभी, दिल होती है नीचे आने की, नहीं फिर क्यों आते हो? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल डबल चांस है, इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस, महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियां दो। अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया, अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। वरदान, खुशी के खजाने से संपन्न मन सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भाव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो।
यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी सौगात है। स्लोगन, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। ओम शांति।